नमस्कार, आज हमारे साथ है राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अगुआ आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज। धर्मेंद्र जी महाराज, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाना चाहिए? धर्म विशेष से जोड़कर मत देखिए, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब तक जितना भी आतंक भारत में आया है, वो सारा का सारा किन लोगों के द्वारा आया है? बौद्धों के द्वारा आया है, फाहियान के द्वारा, या हिंद संघ के द्वारा, किसके द्वारा आया? यानी जो लोग भारत माता को माता नहीं मानते या पुण्य भूमि नहीं मानते, और जो काफिरों की भूमि इसको मानते हैं, और शुरू से लेकर आज तक, चाहे वो महमूद गजनवी हो और चाहे बख्तियार खिलजी हो, और वहां से लेकर के आज तक का पूरा इतिहास, जितने आक्रमण हुए हैं, जितने अत्याचार हुए हैं, जितना मूर्ति भंजन हुआ है, जितना उपासना गृहों का रूपांतरण हुआ है, दुर्दशा हुई है, इससे बढ़कर के जहालत और क्या हो सकती है कि अफगानिस्तान में थी भगवान बुद्ध की वो विराट प्रतिमा, और वो तुम्हारे लिए गौरव का, और तुम्हारे पास उसके अलावा था क्या? और तुमने 5 दिन तक 10 दिन तक 10-15 दिन तक निरंतर तोप के गोले चला चला करके उसको नष्ट निर्मूल कर दिया। तो इससे ये तो इसी युग में अभी अभी भी दुर्घटना है। इसका अर्थ यह है कि इस्लाम जो है वो किसी और का वजूद मंजूर नहीं करता, बस केवल हम ही रहेंगे। हमारा कहना है जी और जीने दो। हमारे भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, तुम स्वयं भी जियो और संसार को जीने दो। उनका कहना है कि नहीं, केवल हम जिएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जिएंगे, और हम भी जिएंगे तो अपनी शर्तों पर जिएंगे। तो नालंदा के विश्वविद्यालय की पांडुलिपियों को जला जला करके बख्तियार खिलजी ने 6 महीने तक अपने हमाम का पानी गर्म किया। इससे बढ़कर के जहालत, मूर्खता, मूढ़ता और क्या हो सकती है? तो इसलिए वो आतंक का ही पर्याय है इस्लाम, और उसमें वहां जो विभूतियां उत्पन्न हुई हैं उनको कभी स्वीकार नहीं किया। हमारा तारिक फतेह है और उसको भारत माता की संतान होने का गर्व है, गौरव है, उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एक बात जानना चाहता हूं, तस्लीमा नसरीन, अगर आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और आपको कलम की ताकत पर बहुत ज्यादा गर्व है, तो कम से कम भारत के बुद्धिजीवियों ने मिलकर के आंदोलन क्यों नहीं किया तस्लीमा नसरीन को भारत की नागरिकता दिलवाने के लिए? भटक रही है बेचारी भारत माता की बेटी, और अपने आप को भारत माता की बेटी मानती है, तो क्या कारण है कि अदनान सामी को भारत की नागरिकता देने के लिए आप आतुर हैं? अदनान सामी क्या होता है और उसने क्या किया है भारत के लिए, भारत के लिए उसकी उपयोगिता क्या है? और हमारी तस्लीमा नसरीन आज दर दर की ठोकरें खा रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, संवैधानिक अस्तित्व क्या है उसका? तो तस्लीमा नसरीन को आप स्वीकार नहीं कर सकते। अर्थ सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाते हैं, थोथा नारा, बिल्कुल अस्तित्व मतलब अर्थहीन नारा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, नहीं आएगा, तो उसे कैसे जवाब दिया जा सकता है? देखिए, घृणा की पैदावार है पाकिस्तान, नफरत की, प्रेम से पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मुसलमानों को किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी। विभाजन के पहले मुसलमान यहाँ पर बहुत पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, शोषित थे, किसने कह दिया ये? और ऐसी स्थिति में, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये पुकारा था उसमें भी कि हमको किन कसाईयों के बीच में छोड़ रहे हो? तो विभाजन एक घृणा की उत्पत्ति, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, उसका पाकिस्तान से, सिंध से, पंजाब से क्या लेना देना, पैदा हुआ वहां पर, वो मालाबार हिल में अभी भी उसका बंगला है, और हिंदुओं ने उसको अपने माथे पर, सिर माथे पर बैठाया, कायदे आजम की उपाधि दी गांधी जी ने। कायदे आजम मतलब कानून का महानतम जानकार, कायदे आजम, तो क्यों मोतीलाल नेहरू कायदे आजम क्यों नहीं? और हमारे महामना मदन मोहन मालवीय महाराज भी बहुत उच्च कोटि के विधिवेत्ता थे, वो क्यों नहीं? एक से एक बढ़कर के हमारे यहाँ विधिवेत्ता हुए हैं। वो कोई कायदे आजम नहीं, क्रिकेट जैसी गर्दन वाला एक आदमी जिन्ना जो है वो कायदे आजम बना दिया गया, और फिर उसको उसकी जो मनचाही वस्तु थी वो मिल गई पाकिस्तान। घृणा की खाद दे करके, घृणा के बीजों से जिसका निर्माण हुआ है, उससे मोहब्बत के फूल या फल कैसे आएंगे? इसलिए घृणा की पैदावार है, और उस घृणा तब खत्म होगी जब पूरी तरह से पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई औचित्य भारत के मानचित्र पर नहीं होना चाहिए, घृणा की पैदावार है। महाराज, एक लोकसभा चुनाव से पहले एक पाकिस्तान का वीडियो सामने आया था, उसमें आपको भी दिखाया था, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए आपको भी खतरा मानता है। यदि
ऐसा कोई वीडियो मुझे दिखलाया गया था मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में और कुछ है, और वो ये है कि पाकिस्तान का एक चैनल 5 है और उसने मेरा इंटरव्यू वहीं से बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ आने की सुविधा नहीं थी, उसने लिया था, और वो उसका पेज था प्रेम विवाह, यानी महिलाओं को क्या अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार है, और वो लंबा इंटरव्यू था, और हमारे यहाँ आपके यहाँ हमारे यहाँ आपके यहाँ बहुत बार बार बोला जा रहा था, तो मैंने कहा कौन सा तुम्हारा यहाँ और कौन सा हमारे यहाँ, 1947 के पहले तुम्हारा यहाँ और हमारा यहाँ ये भाषा नहीं थी क्या, वहाँ की सरसों ने अपना रंग बदल दिया है, या अंगूरों का स्वाद बदल गया है, या खजूरों का स्वाद बदल गया है, या वहाँ की जो हमारी नदियाँ हैं उन्होंने अपना स्वाद बदल दिया है। तो मैंने कहा ना कोई तुम्हारा यहाँ ना हमारा यहाँ, हमारे चश्मों से देखोगे और या अपनी घृणा का चश्मा उतारोगे तो हमारा यहाँ और तुम्हारा यहाँ एक नजर आएगा, और जब ये हो जाएगा तो उसके पश्चात सब कुछ सारे के सारे प्रश्न अपने आप दूर हो जाएंगे। तो अब ये सब चीजें जो हुई तो उसमें से बाकी महाराज क्या आप सोशल मीडिया पे हैं? सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत तो बना हुआ हूँ। इसके नफा नुकसान क्या है अगर सामाजिक संदर्भ में देखें तो? अगर इलू इलू करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो उसका दुरुपयोग है। जो भी विज्ञान की हमको प्राप्त हुई है शक्ति, उस विज्ञान की सारी सुविधाओं का सदुपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि पार्क में प्रेमी प्रेमिकाएं न बैठे, केवल उनकी हरकतों पर नजर रहनी चाहिए कि वो असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, अन्यथा कहीं ना कहीं तो प्रेमी बैठेंगे ना, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे ना। वैलेंटाइन डे बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैलेंटाइन डे एक ही दिन क्यों हो मोहब्बत के इजहार का? एक दिन फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे, और एक इलू इलू करने का डे। क्या प्रेम का की अभिव्यक्ति करने के लिए भी कोई विशेष दिन होता है? तो प्रेम एक बड़ी महान पवित्र भावना है, और उसका यदि कोई ईमानदारी के साथ इजहार करता है तो उसको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। परंतु अगर उसका को आधार बना करके यदि किसी को कोई ठग रहा है या किसी की आंखों में धूल झोंक रहा है तो उसके साथ अत्यंत कठोर व्यवहार, 15-20 साल तक मुकदमा चलता रहे, इसके ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर किए गए अपराध, जिस प्रकार के भी अपराध हों, उनका फास्ट ट्रैक अदालत जिसको कहते हैं वो स्थापित करके हाथ की हाथ निपटारा होना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, ऐसे लोगों को तो आधा जमीन में गाड़ करके आधा कुत्तों से निचवा देना चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्था शरीयत में है वो यहाँ होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। महाराज वैलेंटाइन डे की बात चली है, प्रेम की बात चली है, फिर एक एक शब्द और प्रचलन में है लव जिहाद, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा ना कि ये जिहाद के लिए लव को बीच में माध्यम ना, प्रेम जैसी पवित्र भावना को मोहब्बत को हथियार बना करके और इस्लाम की मजहबी इस्लाम की ताकत को बढ़ाने का जो जुनून है या जो चेष्टा है वो अब जिहाद, लव जिहाद। जिहाद का मतलब होता है काफिरों के विरुद्ध धर्म युद्ध। पहले तो धर्म वो है नहीं, मजहब है, मजहब जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, धर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता, धर्म धारण किया जाता है। तो पहले तो धर्म को समझ लो, और जिस धर्म को धर्म कहेंगे तो मनुष्य का एक धर्म प्रेम भी है, लेकिन वो प्रेम केवल पत्नी के लिए और प्रेमिका तक ही सीमित नहीं होता है, वो अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने दादा के प्रति, अपनी दादी के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति, ये भी ये प्रेम का अत्यंत पवित्र स्वरूप है, और बहन के लिए भी और ऑफ कोर्स प्रेमिका के लिए भी। तो वो पवित्र रूप में और उसको जिहाद के रूप में काम में लिया जाए, जिस साफ साफ नियत जाहिर है कि तुम इतनी कोमल और इतनी पवित्र भावना का उपयोग इस्लाम की के विस्तार के लिए कर रहे हो। षड्यंत्र पूर्ण शब्द है लव जिहाद, जिसमें केवल बदबू ही बदबू आती है, खुशबू उसमें है ही नहीं। महाराज आप फिल्में भी देखते हैं तो? बिल्कुल देखता हूँ। तो हाल के दिनों में कुछ फिल्में देखी, उनमें सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी आप? हाल के दिनों में मैंने कोई फिल्म देखी या कोई आखिरी ऐसी फिल्म देखी हो आपने जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? आजकल मेरी स्मृति जो है वो थोड़ी बहुत काफी कमजोर हो गई है, लेकिन मैंने लगान देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अभी आने वाली फिल्मों में मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ दृश्य अलग अलग फिल्मों के अलग अलग, एक फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म आई थी गोधूली, बहुत अच्छी फिल्म थी, और मैं
देखता रहता हूँ, क्योंकि फिल्में जो हैं वो हमारे जीवन को अधिक बहुत अधिक प्रभावित, जैसी उच्च कोटि की फिल्में पहले बना करती थी वो फिल्में फिर से बननी चाहिए उस प्रकार की, क्योंकि फिल्म बहुत बड़ा महान माध्यम है और उस माध्यम का सदुपयोग होना चाहिए। अब आजकल बहुत गलत विज्ञापन आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा गीत था बेला महकारे महका आधी रात को, उस बेला महकारे महका आधी रात को के साथ जिस प्रकार के दृश्य टीवी के स्क्रीन पर आते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा उसका, कितना निकृष्ट उसका यानी चित्रांकन है, वो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत सोच पर शर्म आती है उस पर, तो अच्छी फिल्मों का स्वागत होना चाहिए। हम बात कर रहे थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज से, वेब दुनिया से बात करने के लिए धन्यवाद महाराज।